नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएक्स टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। बात करेंगे बड़ी खबर में, कौन सी खबर रही सुर्खियों में। आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में राजीव भवन में ली गई शपथ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आतंकवाद के विरोध में शपथ ली। उपस्थित लोगों के बीच फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय राजीव भवन में सभी उपस्थित वरिष्ठ कांग्रेस जनों को सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करने तथा मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव तथा सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुंचाने वाली विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ में मिले 11 और कोरोना मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 67। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में गुरुवार को तेजी से बढ़त हुई है। यहां जांजगीर चांपा जिले से 3, सरगुजा से 1, राजनांदगांव से 4, बालोद और रायपुर जिले से 1-1 नए मामलों की स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है। गुरुवार सुबह ही कांकेर जिले से 1 नए मरीज की पुष्टि हुई थी। संक्रमण के मामलों में बढ़त में स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 67 हो गई है। पुणे से झारखंड जा रहे मजदूरों से भरी बस और ट्रेलर की टक्कर, ड्राइवर सहित 3 की मौत। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में गुरुवार सुबह पुणे से झारखंड जा रही मजदूरों से भरी बस को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बस चालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 घायल हो गए। इनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण के सहयोग से पुलिस ने बस में फंसे लोगों को बाहर निकलवाया। घायलों को एम्बुलेंस से बिलासपुर और नवागढ़ के अस्पतालों में भेजा गया है। हादसा रायपुर और बिलासपुर हाईवे पर हुआ है। देश में कोरोना के मामले 1,12,000 पार। 24 घंटे में 5,600 नए केस और 132 मौतें। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है और आज लगातार दूसरे दिन कोरोना का बड़ा उछाल सामने आया है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस से 5,600 नए मामले सामने आए हैं और करीब 132 लोगों की मौतें हुई हैं। गुरुवार को जारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर करीब 1,12,359 हो गए हैं और कोविड-19 से अब तक 3,435 लोगों की मौतें हो चुकी। ओडिशा बंगाल में एम्फान से भीषण तबाही। मुख्यमंत्री ममता बोली, 12 लोगों की गई जान। एम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाई है। दोनों राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देर रात तक तेज बारिश और तूफानी हवाएं दोनों राज्यों को झकझोरती रहीं। ऐसा अंधड़ बीते कई सालों में ना किसी ने देखा ना सुना। हवा की रफ्तार ऐसी थी मानो धरती पर जो कुछ भी है सब उखाड़कर उड़ा ले जाने को बेकरार है। रामपुर में शिवसेना नेता की गोली मारकर हत्या। उत्तर प्रदेश के रामपुर में शिवसेना के नेता और सभासद पति अनुराग शर्मा को गोली मार दी गई। अज्ञात बदमाशों ने बुधवार देर रात गोली मारी। इलाज के दौरान अनुराग शर्मा की मौत हो गई। अनुराग शर्मा शिवसेना के पूर्व जिला संयोजक भी थे। उनकी पत्नी बीजेपी में सभासद है। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह पार्टी से निलंबित। केंद्र की नरेंद्र मोदी तथा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्य की अक्सर ही सराहना करने के साथ अपनी ही पार्टी पर लगातार उंगली उठाने वाली विधायक अदिति सिंह को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली के रायबरेली सदर क्षेत्र की युवा विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस के प्रवासी कामगारों की मदद करने के लिए बसों का बेड़ा लगाने के मामले में कांग्रेस पर उंगली उठाई थी। अमेजॉन प्राइम की फेमस सीरीज पाताल लोक के एक सीन पर बवाल। अनुष्का शर्मा को मिला लीगल नोटिस। अमेजॉन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज पाताल लोक इस वक्त चर्चा में है। अनुष्का शर्मा ने बतौर प्रोड्यूसर इस वेब सीरीज के साथ अपना डिजिटल डेब्यू किया है। हालांकि अब वह इसको लेकर विवादों में घिरती नजर आ रही है। अनुष्का को इस वेब सीरीज के विशेष सीन में गोरखा समुदाय की भावनाओं को आहत करने के लिए लीगल नोटिस जारी किया है। मुक्केबाज मैरी कॉम बोली, अब जितना है अलग रंग का पद। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता एमसी मैरी कॉम ने अपने अगले लक्ष्य के बारे में खुलासा किया है। मैरी कॉम ने कहा है कि इस समय उनका एकमात्र लक्ष्य
अगले साल टोक्यो ओलंपिक में अलग रंग का ओलंपिक पदक हासिल करना है। कई बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम अपने इस लक्ष्य के लिए काफी मेहनत भी कर रही हैं। हालांकि अभी टोक्यो ओलंपिक में एक साल से भी ज्यादा का समय है। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाली वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए। अगर आपके दरवाजे पुराने हो गए हैं और दरवाजे से कोई आवाज करता हो, जो आपका दरवाजा लगा हुआ है, अगर उसमें बार बार कर्कश आवाज हो रही हो, तो वो वास्तु पे दोष माना जाता है। जब भी दरवाजा खुलता है या बंद होता है तो उसमें अगर आवाज हो रहा है, इसका मतलब वो जो कब्जे आपके लगे हुए हैं, होल्ड फास्ट जो लगे हुए हैं, उसमें अगर आवाज आ रहा हो तो उस कब्जे में आप तेल डाल दें। जो भी घर पे प्रयोग होने वाले आपके तेल हैं, उसको उस कब्जे पे ऊपर से डाल दें और दरवाजे को 2-3 बार आप फुलाए, तो वो दरवाजा आवाज करना बंद कर देता है। अक्सर यह देखा गया है जिसके दरवाजे खुलते और बंद होते समय आवाज करते हैं, उन घरों पे हमेशा कलह, विवाद या लड़ाई झगड़े होते देखे गए हैं। तो अवश्य आप अपने दरवाजे का वास्तु से निराकरण करें।